एमवी की तरफ से, एमवी का जो मे का डेटा आया है उसमें आइए समझते हैं क्या कुछ इंपॉर्टेंट कंक्लूड निकल कर आए हैं, क्योंकि फिर से आप एक रिकॉर्ड स्ट्रेट फोर्थ मंथ है जब स्ट्रॉन्ग फ्लोज हम देख रहे हैं, चाहे स्मॉल कैप हो मिड कैप हो। शरद हम तक कुछ और रिसर्च भी लेकर आया, आइए शरद से जुड़ते हैं। शरद बताएं। जी बिल्कुल, मई के महीने में जो एमफी की डेटा आई है यहाँ पे एसआईपी आंकड़ा सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फोकस रहेगा और यहाँ पे रिकॉर्ड हाई लेवल्स पे एसआईपी आए हैं, 14,000 करोड़ के ऊपर जो है वापस आ गया है एसआईपी के लेवल से। बात करें तो लास्ट मंथ ये आंकड़ा 13,730 करोड़ के लगभग था। इसके अलावा जो है इक्विटी सेगमेंट की बात करें तो यहाँ पे फ्लोज अपने 6 मंथ लो पे आ गए, क्योंकि यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग देखने मिली है ये एक्सपर्ट्स का मानना है। इसके अलावा जो है इक्विटी सेगमेंट में लेकिन लगातार 27th straight month एक इन्फ्लोज तो ज़रूर आया, और ओवरऑल फ्लोज की बात करें तो वो भी 2 मंथ लेवल्स पे जो है पॉजिटिव लेवल्स पे देखने मिला है। इंपॉर्टेंट बात ये है कि जो ओवरऑल AUMs और इक्विटी AUMs है वो भी अपने रिकॉर्ड हाई लेवल्स पे देखने मिल रहे हैं, और ओवरऑल जो NFOs हैं वो लगभग 500 करोड़ के आए हैं अक्रॉस 5 स्कीम्स के। इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो NFOs कम इसलिए हुए हैं क्योंकि बहुत सारे चेंजेस जो है आपके टैक्सेशन में देखने मिले, तो उसके कारण जो है NFOs थोड़े कम हो गए हैं। अब बात करते हैं आपकी सेगमेंटल परफॉर्मेंस के, तो यहाँ पे देखेंगे जो फिक्स्ड इनकम के जो इनकम के प्रोडक्ट्स हैं स्पेशली जो आपके लिक्विड फंड्स हुए, अल्ट्रा शॉर्ट मनी मार्केट, यहाँ पे 45,000 करोड़ का इन्फ्लोज लगभग देखने मिला। अब ऑफकोर्स ये कॉर्पोरेट और ट्रेजरी का जो है एडजस्टमेंट से उसके कारण हो रहा है, लेकिन जो इक्विटी सेगमेंट है यहाँ पे स्मॉल कैप और आपके मिड कैप ये दोनों सेगमेंट्स में लगातार 4th straight month में जो है पॉजिटिव इन्फ्लोज देखने मिल रहा है, और ये भारी आंकड़ा में स्पेशली स्मॉल कैप में देखने मिल रहा है। बट याद रखिए जो कम हुई है इन्फ्लोज इक्विटी सेगमेंट है वो हुई है लार्ज कैप के कारण, फोकस्ड सेगमेंट ELSS सेगमेंट इसके कारण जो है बिकवाली भी देखने मिली है, तो इक्विटी फ्लोज जो है उनके नंबर्स पे थोड़ी दबाव देखने मिली है। और आखिर में मैं बात करूंगा आर्बिट्राज फंड्स का और मीडियम ड्यूरेशन फंड्स का, जो अब अट्रैक्टिव हो गए हैं एक्सपर्ट्स का मानना है, क्योंकि आगे जाते हुए ब्याज दर जो है फ्लैट रह सकते हैं या धीरे धीरे घट सकते हैं, तो उस चीज़ को कैप्चर करने के लिए ये दोनों सेगमेंट्स जो है इंटरेस्टिंग हो गए हैं ये एक्सपर्ट्स का मानना है। शरद हम ये कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं अगर इस डेटा पॉइंट को देखें तो जो इक्विटी इन्फ्लो 6 मंथ्स के लो पर है, तो यानी मैक्सिमम पैसा जो आउटफ्लो हुआ है वो लार्ज कैप फंड से हुआ है, क्योंकि आप बता रहे हैं स्मॉल कैप एट कैप है तो अभी भी वहां पर इन्फ्लोज अच्छे हैं, स्ट्रॉन्ग इन्फ्लोज हैं। शरद सुन पा रहे हैं? अच्छा ओके अच्छा शरद से अभी नहीं जुड़ पाएंगे। सो ये जो पैटर्न दिख रहा है नरेंद्र, आपको क्या सरप्राइज करेगा ये कि जो इन्फ्लोज है, हालांकि हम स्मॉल कैप मिड कैप वहाँ तो अच्छे खासे फोर्थ मंथ है जहाँ स्ट्रॉन्ग इन्फ्लोज है, और अगर इक्विटी इन्फ्लोज इन टोटालिटी 6 मंथ्स के लो पे है तो क्योंकि मेजर आउटफ्लोज जो है वो लार्ज कैप से हुए हैं। जी इसमें अगर आप रिजल्ट से भी छोड़ के देखेंगे तो रिजल्ट का परफॉर्मेंस काफी अच्छा आया है ये Q4 में मिड कैप और स्मॉल कैप के पॉइंट ऑफ व्यू से तो, और मिड कैप स्मॉल कैप काफी अंडर परफॉर्म भी कर रहे थे लार्ज कैप्स के मुकाबले, जो कि अभी यहाँ पे जो रैली दिखी है वो इसमें ही ज्यादा दिखे, तो डेफिनेटली फ्लोज इसको सपोर्ट कर रहे हैं। और एक 14,000 करोड़ मार्क क्रॉस होना मतलब जो इन्वेस्टर्स है उनका फेथ अभी बना हुआ है और ये ट्रेंड आगे मजबूत ही रहेगा और अच्छा बेस भी प्रोवाइड करता है डोमेस्टिक इक्विटी मार्केट के लिए। ठीक है राजेश सर।